हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज आप सोच रहे होगे भाई ये कहाँ जा रहा है। तो भाई मैं बता दूँ, आज अपनी गाड़ी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपन बनवाने जा रहे हैं। वो अब वो क्या है, वो है भाई फास्टैग। भाई देखो, फास्टैग की मैं बोलूँगा अगर नहीं बनवाया ना तो बनवा लो, क्योंकि वो बहुत नीड होती है। अब मेरे को परसों कहीं जाना है, ठीक है, और वहाँ पर हर टोल पर फास्टैग है। मतलब हमारे यहाँ जो लोकल टोल है ना, वहाँ पर फास्टैग नहीं है, तो कैश देना पड़ता है। लेकिन अभी जैसे नेशनल हाईवे वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर सभी पे मतलब बोलते हैं अपन फास्टैग तो होते हैं, आपको भी पता है। तो भाई दिक्कत पता है कहाँ आती है, दिक्कत वहीं आती है अगर फास्टैग ना दो ना। तो एक टोल पे आपको वैसे अगर नॉर्मल जाओगे तो 60-65 रुपये लगते हैं, अब वरना डबल लगेंगे, ठीक है। मतलब जाते टाइम के 60 रुपये और मान लो आते टाइम के 60 रुपये, 120 रुपये होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन वहीं पर कितने लगेंगे, जाते टाइम के 120, आते टाइम के 120, 240 का खर्चा होगा। वहीं पर अगर मेरे पास फास्टैग होगा ना, जाते टाइम भाई 60 रुपये कटेंगे और आते टाइम 35 रुपये कटते हैं। सिर्फ एक टोल बता रहा हूँ, वहाँ पे तीन टोल आएंगे एक साथ में। आपको पता है भाई राजस्थान में तो टोल भरे पड़े हैं, तो भाई इसीलिए फास्टैग अपन बनवाने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मतलब कोई शॉप वगैरह कहाँ पे है, कोई आसपास मतलब कोई लगाता तो है नहीं, तो चलो देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो भाई अभी हाईवे पे तो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब बेसिकली हाईवेज पे ही खड़े रहते हैं, तो अगर हाईवे पे कोई मिलता है ना तब मैं देखता हूँ उसी से बनवा लूँगा, वरना कोई शॉप वगैरह होती है तो वहाँ से देखता हूँ। क्योंकि अभी तो देखो कुछ दिख नहीं रहा आसपास, आप देख सकते हो, तो लेट्स सी देखो कोई मिलता है तो। क्योंकि भाई फास्टैग तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बनवानी पड़ेगी। भाई माइलेज देख लो, 12 का दिखा रही है, लेकिन भाई आपको रियलिटी बताऊं तो ये 12 का नहीं है। दिस इज़ लाइक मतलब बोलते हैं ना, अगर अपन काफ़ी मतलब मेरी गाड़ी थोड़े टाइम से इतनी चली नहीं है, घर पे ही रही है। जो वीडियोस अभी आपने देखे होंगे वो सारे घर के थे। तो भाई मतलब वो बोलते हैं ना घर पे पता नहीं क्या सीन, अगर इसको चलाओ नहीं ना तो जैसे एक दिन भी खड़ी रहती है ना, उसके बाद अगर माइलेज रीसेट ना करो ना तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम बहुत धीरे धीरे। मतलब अगर मैं 30-40 किलोमीटर चल जाऊंगा ना तब भी ये कोई 1-1.5 का केम्पेल का पड़ेगा। वहीं अगर मैं घर से रीसेट करके चलता हूँ तो फिर आराम से नॉर्मली जितना देती है उस हिसाब से बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ये सीन अगर आपके फ्रोंक्स में भी है या फिर और कोई कार में भी ऐसा सीन होता है तो भाई मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि भाई मेरी पुरानी कार में माइलेज नहीं दिखाता था, देखो सीधी बात है। तो और इसमें भाई जब तक रीसेट ना करो ना तब तक स्लो स्लो बढ़ता है, एकदम घटता है एक साथ है वो, उस घटने में कोई देरी नहीं करता, लेकिन बढ़ता है मतलब एक साथ नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता। और रीसेट करके चलो तब आराम से मतलब बोल सकते हैं आराम से वो होता है, बढ़ता है। तो भाई उस एक भाई से पूछा तो वो तो पेटीएम का बना रहा था बस नॉर्मली, और उसने बोला KYC वगैरह कराई हुई है क्या, तो मैंने बोला मेरे तो नहीं है भाई KYC वगैरह पेटीएम की, क्योंकि मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा, वो वैसे तो है नहीं। तो अभी देखते कोई हाईवे पे मिलता है तो। भाई अभी रिकॉर्ड करना भूल गया, अचानक सडनली एक गाय आ गई भाई। ये तो शुक्र है मैं स्लो स्पीड में था, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लेके कर लिया धीरे, वरना पीछे से गाड़ी आ रही थी वो, या तो मैं अगर पावर ब्रेक करता भाई पीछे से गाड़ी ठुकती या मैं गाय में ठुकता, लेकिन चलो भगवान की दया से वहाँ से तो बच गए। अभी भाई इसे एक भाई ने भी मना कर दिया, क्योंकि ये PUC वगैरह बनाता है। तो भाई मेरे को एक बार मैंने SC वैन पे देखा था फास्टैग का, तो मैं सोचा क्या पता ये भाई बना दे, लेकिन भाई ने मना कर दिया, बोला हम नहीं बनाते। लेकिन अब जिस भाई से पूछा वो सिर्फ वो एक बनाता है, अब वो बनाता है भाई पेटीएम का। पेटीएम से मेरी KYC हो नहीं रखी, अब पता नहीं भाई, अब मैं देख रहा हूँ आगे कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना घुमा के किसी और जगह पूछूंगा एक बार कि मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स सी देखो क्या होता है। काफ़ी जगह घूम लिया, काफ़ी दुकानों पे, लेकिन मिलना ही नहीं। एक वो पेटीएम वाला ही है, मतलब एरिया में है ही नहीं कोई, फास्टैग बनाता ही नहीं है हमारे यहाँ। और आप बोलोगे भाई टोल पे बहुत मिलते हैं, तो भाई दिक्कत पता है कि अब मेरे को जाना है परसों सुबह 4 बजे सुबह, तो सुबह कोई नहीं मिलता मेन बात वो है, वरना तो मैं क्यों इतना चक्कर काटता, आपको भी पता है। तो मुझे भी पता है कि टोल पे मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत वही आ रही है ना भाई, सुबह सुबह निकलना है मैं 3:30-4 बजे समथिंग में निकल जाऊँगा घर से, और टोल पर फिर कोई मिलता नहीं है उस टाइम पर, और आसपास में जो टोल है उन पे फास्टैग है नहीं। तो पता नहीं भाई, देखते हैं, अगर किसी को बोलता हूँ वो बनवा देगा या कैसे क्या रहता है सीन, मैं अपडेट कर दूँगा। तो भाई तब बड़ा पोपट हुआ ना, मतलब पूरी जगह घूम लिया नहीं मिला, फिर मैं एक जगह से एक मतलब जो PUC बनाते हैं ना उनके एक के आगे से निकला था मैंने, उसने पहले मैंने बताया ना एक फास्टैग के वो पर्चे वगैरह लगा के तो रखता है, वो वही था उसने हटा दिए, ठीक है भाई, कि कोई बिकता तो है नहीं इतने, क्योंकि एक दो गाड़ियाँ आती है उसमें क्या होता है।
लेकिन उसके पास एक बचा हुआ था। मैंने ऐसे रैंडमली मैं सोचा इससे यार पूछ ही लेते, क्या पता ये भी बनाता हूँ। और भाई लकीली उसके पास निकला और ये अपना बन गया। महंगा दिया है, मतलब 200-300 रुपये में आई गेस बन जाता, उसने मेरे को 600 का दिया, लेकिन चलो उसने बोला 400 रुपया बैलेंस आ जाएगा। तो चलो जो भी है, अपने को क्या है, बनना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। तो भाई ये देख लो अपना फास्टैग अभी बन चुका है। तो चलो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।